आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि LIC का जो IPO है उसको आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं अप स्टॉक्स के द्वारा। आज हम आपको अप स्टॉक्स से बता रहे हैं कि कैसे आप अपने LIC का जो IPO है उसको आप लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अप स्टॉक्स को ओपन करके इसमें लॉगिन करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके द्वारा आप अपना अकाउंट को ओपन कीजिए और उसके बाद से आप अपना IPO लगा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग में आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना पिन डाल करके लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद बहुत ही सिंपल है, आपको नए इंटरफेस में जाना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है कि LIC IPO का जो अप्लाई है वो आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारे सामने आ गया। तो इस बार LIC ने क्या किया है कि दो ऑप्शन दिए हैं, एज ए पॉलिसी होल्डर आप बिडिंग कर सकते हैं और एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप बिडिंग कर सकते हैं। तो आपको दोनों में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो एज ए पॉलिसी होल्डर के लिए आपके पास से पॉलिसी होना चाहिए और आपका जो पैन कार्ड है वो आपके पॉलिसी से लिंक होना चाहिए, तभी आप अप्रूव होगा। और एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी आप कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी पॉलिसी नहीं लिया है LIC का तो आप एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर करेंगे, और अगर आपने लिया है पॉलिसी तो आप LIC IPO पॉलिसी होल्डर में जाएंगे, ठीक है। और आप दोनों से भी प्लेस कर सकते हैं अपना बिडिंग, और दोनों से ही आप अपना बिडिंग लगा सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा। तो हम आपको एज ए पॉलिसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर दिखाते हैं, ठीक है। तो LIC IPO पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ऐसा आपके सामने स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना लॉट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल क्या है, इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम है 13,530 रुपये और लॉट साइज जो है वो 15 शेयर है, और आपको इशू जो हो रहा है वो 20,557 करोड़ का इशू चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना लॉट जो है वो आपको यहाँ पे भर देना है, जैसे कि एक लॉट में 15 शेयर है तो आप जितने लॉट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उतने लॉट आपको यहाँ पे लिख देने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 के बाद से आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको प्राइस लिखना है। तो प्राइस देखिए 902 यहाँ पे लिखा है, 902 से 949, ठीक है। तो 49 पे ही आपको अप्लाई करना है, यानी आपको कट ऑफ प्राइस पे ही बिडिंग करना है, वरना आपको नहीं मिलेगा, कम चांसेस रहता है मिलने का। तो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे हम लिख देंगे 949, ठीक है, 949 हमने लिख दिया। या आप डायरेक्ट यहाँ पे नीचे टिक मार सकते हैं अप्लाई एट कट ऑफ प्राइस, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ रहा है इंटर योर UPI ID। तो UPI ID जो है वो आपको अपने बैंक का डालना है। बहुत लोग क्या करता है कि पेटीएम का या गूगल पे, वो सब नहीं करना है, आपको बैंक का जो UPI ID है, जैसे कि ये कोटक महिंद्रा बैंक है उसका UPI ID होगा, उस UPI ID को डालिए। आपका SBI में हो, एक्सिस में हो, किसी भी बैंक में हो, उसका UPI ID जो है वो आपको डालना है, ठीक है। आप अगर पेटीएम का डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पेटीएम का जो अकाउंट है वो IPO के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप अपना कोटक का डाल देंगे UPI ID, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने रैंडम नंबर डाला और @kotak डाला, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक मारने के बाद आप यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखा रहा है 28,470 और यहाँ पे 2 लॉट 30 शेयर एट 949 पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अप्लाई पे इसको डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको अपना जो IPO का स्टेटस डिटेल है, मतलब कि मिला कि नहीं मिला अलॉटमेंट, वो चेक करने के लिए linkintime.com पे जा करके अपना पैन कार्ड इंटर कीजिएगा, तो आपको डिटेल मिलेगा कि आपको अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। तो नॉर्मली क्या करता हूँ मैं कि लास्ट डेट पे अप्लाई करता हूँ, मैं पहले अप्लाई नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। और आपको लिंक जो है वो अकाउंट ओपनिंग का अप स्टॉक्स पे, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उस पर भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको काइट पे भी, जिरोधा पे भी दिखा दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, और भी बहुत सारे जो एंजल ब्रोकिंग है उस पर भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल मैं अप स्टॉक दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप अपना IPO अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। काइट जो जिरोधा है उसके मुकाबले
आप स्टॉक्स पे अप्लाई करना बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने इसको चुना आपको दिखाने के लिए। अगर आप न्यू कमर हैं तो आप इस पे अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अप्लाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।